You can. अभी भी पत्ते भक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे तू वार कर। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो समय की कदर करते हैं और परिवर्तन की सोच रखते हैं, न कि प्रतिशोध की भावना रखते हैं। इस बार कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है समय। यदि आप लोगों ने समय का सही सदुपयोग कर लिया तो आप अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं टाइम हमारे लिए कितना उपयोगी है। एक दिन में हमें 24 घंटे मिलते हैं, यानी 1440 मिनट, और इन्हें सेकंडों में देखा जाए तो 88,400 सेकंड मिलती है हमें एक दिन की। चलो इस सिचुएशन को इस तरह समझते हैं। मान लो आपको कोई बैंक एक दिन का यानी 24 घंटे का एक ऑफर देती है। इसकी कंडीशन और शर्त है कि प्रत्येक एक दिन के लिए आपको खर्च करने के लिए 1440 रुपए दिए जाते हैं। यदि आपने 1440 रुपए में से कितने भी पैसे खर्च किए, मान लो आपने 1000 रुपए खर्च किए और कुल 440 रुपए बचते हैं, और बैंक कहती है जितने रुपए खर्च नहीं होते उन्हें दुगना करके वापस लौटाना होगा मुझे। इस तरह हमारे जीवन में भी समय की प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनट और प्रत्येक घंटा हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी है जितना कि पैसा है। तो आप अब समय का फंडा तो जान ही चुके हैं। इसी तरह हम जितना समय बर्बाद करेंगे इसे भी हमें दुगना करके चुकाना होगा। अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इसी तरह अपने समय की कदर नहीं करेंगे तो अपने खुद का और अपने माँ बाप का सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति निश्चित टाइम पर समय की कदर कर लेता है या उसकी अहमियत को जान लेता है, वह इंसान कभी भी असफल नहीं होता है अपने जीवन में। ऐसा कहते हैं, ना संघर्ष ना मेहनत तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।